हेलो दोस्तों, कोरोना आईएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के समसामयिक पढ़ेंगे। तो एक फेमस बहुत चर्चा में जिसका नाम है थुम्बी महोत्सवम बहुत चर्चा में है। थुम्बी महोत्सवम, तो आइए इसका पूरा डिटेल। थुम्बी महोत्सवम चर्चा में कहा भी, क्यों चर्चा में है आइए जानते हैं। यह किस राज्य में यह उत्सव मनाया गया ये भी जानेंगे। थुम्बी महोत्सवम ये काफ़ी अभी चर्चा में है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, थुम्बी महोत्सवम ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या है? ये ड्रैगन फ्लाई तितली है। ड्रैगन फ्लाई तितली है, ये कीट की प्रजाति है। इसी के क्षेत्र में यह उत्सव मनाया जा रहा है, इसी के क्षेत्र में, क्योंकि बात है जैव विविधता का। तो आइए जान लेते हैं। तो केरल एक राज्य है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। तो यह फेस्टिवल यह केरल में पहली बार आयोजित किया जाने वाला राज्य का ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। क्या है? ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल राज्य का आयोजित किया जाने वाला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की राज इकाई द्वारा सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट स्टडीज़ SOS तथा थुम्बीपुरम एक जिला है केरल का। थुम्बीपुरम एक जिला है केरल का। दोनों मिलकर संयुक्त रूप से किया गया। कौन? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की राज्य इकाई का नाम क्या है? सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट स्टडीज और थुम्बीपुरम के संयुक्त रूप से यह महोत्सव आयोजित किया गया। और इस उत्सव का इस थुम्बी महोत्सवम का भाई शुभंकर क्या है पंटालू है। तो आइए जानते हैं। तो क्यों मनाया गया, इसमें किन संस्थाओं ने भाग लिया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम, IUCN यूनाइटेड नेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से, तो विश्व की तीन संस्था हो गई। उसके बाद WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, उसके बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसके बाद इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित क्या है, एक राष्ट्रीय ड्रैगन उत्सव है। इसका जो एक राष्ट्रीय ड्रैगन उत्सव का हिस्सा है कौन, यही थुम्बी महोत्सव। तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आरंभ जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में पहली बार हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या है, अरे किसी भी ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है?
तो उद्देश्य है कि ड्रैगन फ्लाई क्या है, तितली। तो ड्रैगन फ्लाई तथा इस प्रजाति के अन्य सदस्यों द्वारा पर्यावरण में निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में बताना और लोगों को जागरूक करना, लोगों को जानकारी देना इसके बारे में, तितली के बारे में। तो ड्रैगन फ्लाई क्या है? एक कीट है। क्या है? कीट है। ड्रैगन फ्लाई एक कीट है जो किस वर्ग के है? ओडोनेट वर्ग से संबंधित है। तो एक वयस्क ड्रैगन फ्लाई की विशेषताओं में सबसे बड़ी बात क्या आता है, विशेषता क्या होती है? वो बड़ी होती है और बहुमुखी आँखें होती है। दो जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख। पंख कैसे होते हैं? भिन्न रंगीन कलर के होते हैं। तथा लंबी शारीरिक संरचना शामिल है। तो यही इसलिए चर्चा में थे ये ड्रैगन फ्लाई महोत्सव, इसलिए चर्चा में था। आइए देखिए है, लंबी पंख है, रंगीन पंख है, आँख देखिए आगे में दो बड़े हैं, यही ड्रैगन फ्लाई मतलब तितली हुआ, उसी का महोत्सव मनाया जाता है। उसी के क्षेत्र में एक महोत्सव था थुम्बीपुरम महोत्सव, जो कि केरल के थुम्बीपुरम और सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेंस स्टडीज ने मिलकर इसको मनाया। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।